हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है झूठे रिश्तों का नरक। मेरे विवाह के दूसरे दिन ससुराल में महिला संगीत का आयोजन था। कमरे में ढोलक व मंजीरे की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। मैं लंबा घूंघट किए बैठी थी। हालांकि मेरी सास ने स्नेहपूर्वक मना किया था, पर मैंने अपने मन से ऐसा किया था। नई नवेली दुल्हन सबको प्रभावित कर लेती है कि कितनी संस्कारी लड़की है। साथ ही झीने घूंघट में अपना चेहरा छिपाए लोगों के चेहरे और गतिविधियों को चुपचाप देखना भी रोचक होता है। मुझको सीता मामी ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। 45 वर्ष से अधिक आयु, लंबा कद, संतुलित देह, दमकता गौरवर्ण, तीखे नयन नक्श, सलीके से पहने सुरुचिपूर्ण साड़ी, देह में अद्भुत कमनीयता पर सबसे बढ़कर व्यक्तित्व की गरिमापूर्ण सौम्यता। उनका व्यक्तित्व किसी राजघराने की महारानी जैसा था। जब मामी ने गाना आरंभ किया तो कहना ही क्या, सब मंत्रमुग्ध हो गए। महिला संगीत के पश्चात पुरुष रिश्तेदारों के चरण स्पर्श का कार्यक्रम था। एकाएक सीता मामी के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ बेचारगी का भाव लिए मुझसे धीरे से बोली, बेटा, मामा जी की बातों का बुरा मत मानना। मामी की चिंता और दुविधा ने मुझे आश्चर्य के साथ ही असमंजस में डाल दिया। दूसरे कमरे में बनारस वाले मंझले मौसा जी, कानपुर वाले छोटे फूफा जी वगैरह बैठे थे। मैंने दिल्ली वाले मौसा जी के चरण स्पर्श कर चांदी के सिक्कों को लिया ही था कि एकाएक मेरी छठी इंद्री ने मुझे सजग रहने का संकेत किया। प्रकृति ने नारियों को छठी इंद्री की संवेदनशीलता कुछ अधिक उदारता से प्रदान की है। मैंने ठिठक कर घूंघट की आड़ से देखा। लगभग 60 की आयु, लंबा कद और दोहरा स्थूल शरीर जो भोगी जीवन की गाथा कह रहा था। वस्त्रों का चयन बता रहा था कि ये अभी भूतकाल के मोह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हेयर डाई लगाकर आयु छुपाने का असफल प्रयास करते वालों ऐठी हुई बड़ी मूछों ने पूरी कर दी थी। पान खाए होठ और नशे की छाप के लिए लाल डोरे वाले किसी शिकारी सी बड़ी बड़ी आंखें सामने वाले को असहज करने को पर्याप्त थी। अरे वाह, आज तो और भी निखर गई हो, कहते हुए उनकी मूछों के पीछे मुस्कुराहट से मेरा रोम रोम सुलग उठा। पर क्या करती, हम लोग किशोरावस्था से ही जाने क्या क्या सुनने और सहने की आदि हो जाती हैं, इसीलिए खून का घूंट पी कर रह गई। उस समय मेरे मन में कुछ ऐसा भाव उठा जो कांक्रोच या छिपकली को देखकर होता है, जिसमें भय तो नहीं पर घृणा, उपेक्षा, न जाने क्या क्या होता है। यही होंगे सीता मामी वाले मामा। कहां सीता जैसी मामी और कहां रावण के प्रतिरूप मामा जी। मन बोझिल हो गया। सायंकाल सीता मामी मेरे कमरे में आई। विवस्ता और संकोच और आत्मीयता से भरे स्वर में पूछा, सब ठीक तो रहा? जी मामी जी, मुझे लगा, और क्या बोलूं। बेटा, तुमने उनकी बात का बुरा तो नहीं माना? मैं आश्चर्यचकित हो चुकी। मामा ने जी तो मामी को कुछ बताने से रहे, अर्थात मामी यह मान चुकी थी कि मामा जी ने अवश्य कुछ कहा होगा। इतना सुनिश्चित कैसे कोई हो सकता है? मामी जी, आप इतना सुनिश्चित कैसे हैं कि मामा जी ने कुछ गलत ही कहा होगा? बेटा, जिसके साथ सारा जीवन बीत गया उसे क्या अब भी नहीं समझूंगी? मामी फीकी हंसी दी। क्या बताऊं, सबसे अपने ढंग से मजाक करना न उम्र का संकोच न रिश्ते का लिहाज। मामी की आंखें नम सी हो गई। क्या मामा जी शुरू से ही ऐसे थे, मैं पूछ बैठी। शुरू से? मुझे लगता है यह बचपन से ही ऐसे हैं। कौन सी आदत या शौक इनसे छूटा है? उम्र के साथ सब बढ़ता ही गया। सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, शराब, मांसाहार, ताश और कई संबंध। मामी का गला भराया तो मैं भी द्रवित उठी। मुझे लगा मामी मुझसे कुछ अपनापन सा लगा होगा, तभी जाने कब का रोका हुआ बांध आज टूट सर बह गया। कितनी ही बार हम अपनी पीड़ा दर्द दबाए अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि हमारे अपने अक्सर इतने भी अपने नहीं होते कि हम अपने दुख दर्द उनसे बांट सके। जब कोई अजनबी हमदर्द मिलता है तो सीमाएं तोड़कर दर्द बह जाता है। मामी की भावुक आंखों से अश्रुधारा बहती रही। मैं स्तब्ध चुप थी कि कहने से मामी जी का मन कुछ हल्का हो जाए। कुछ देर बाद मैंने कह ही दिया, मामी, आप तो कहीं से मामा के लायक ही नहीं,
तो फिर विवाह कैसे हो गया? अरे बेटा, आज से 30 साल पहले का समय था। मेरे पिताजी सीधे साधे आदमी, किसी ने रिश्ता बताया कि जमींदार पिता का अकेला लड़का कलेक्टर का पेशकार है। गांव के लोग जो लेखपाल सिपाही तक को बड़ा समझते हों, उनके लिए कलेक्टर का पेशकार मतलब साक्षात भगवान। सब कहने लगे ऐसा रिश्ता बड़े भाग्य से मिलता है, बस विवाह हो गया। यह सब बहुत बाद में पता चला। मामी बोली, अगर आप शुरू में कठोर कदम उठा लेती तो इतने दुख न झेलने पड़ते। न चाहते हुए भी मेरे स्वर से आक्रोश झलक ही उठा। क्या बताएं बेटा, इनके पिता बहुत अनुशासन प्रिय थे, पर अकेले बेटे के दुर्गुणों को इनकी माँ छिपाती रही। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, मुझसे क्षमा मांगती कि मेरा पुत्र तुम्हारे लायक नहीं है, पर बुढ़ापे में मेरी बेइज्जती न होने देना। उनका प्रेम और ममता से परिपूर्ण व्यवहार मुझे ससुराल में बांधे रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि अब जमाना बदल रहा है। आज लड़कियां गलत बात सहन नहीं करती और आवाज उठाती हैं, तो कानून व घर वाले भी साथ देते हैं। यह देखकर तसल्ली होती है कि खिड़की खुली है तो कल दरवाजे भी जरूर खुलेंगे। सच में मामी, आपके कंठ में सरस्वती जी का वास है, आप में और भी गुण होंगे, मैं पूछ बैठी। बेटा कभी शास्त्रीय संगीत सीखती, साहित्य पढ़ती व कविताएं लिखती थी, पर अब इससे आगे मामी बोल न सकी। मामी, आपने कभी मामा जी को बदलने की कोशिश नहीं की? मैं भी जाने कैसे हिम्मत करके निजी प्रश्न पूछती जा रही थी। अरे बेटा, भला इनके घर में पत्नी की इतनी हिम्मत की पति के सम्मुख बोलने या सलाह देने का अपराध कैसे करे? पौरुष का दम्भ तो इनमें कूट कूट कर भरा है, जिसे मौके बेमौके जताने से नहीं चुकते। और पौरुष भी क्या, पौरुष का अर्थ मात्र इतना है कि पत्नी तो सेविका या भोग्या मात्र है, उसकी भी संवेदना इच्छा आकांक्षा या मन हो सकता है। इनके जैसे लोग मान ही नहीं सकते। पत्नी को गहने कपड़े मिलते रहे, पति की दैहिक भूख के अनुसार कृपा मिलती रहे, तो इससे अधिक और क्या आवश्यकता हो सकती है पत्नी की? इनके जैसे लोग मानते हैं कि मनुष्य जन्म और पुरुष की देह भोगने के लिए मिली है, इसीलिए जितनी अयासी की जा सकती है कर लो। मुझे तो शायद किसी जन्म के पापों की सजा मिली है। इतना जीवन कट गया है तो शेष भी कट ही जाएगा। इतना कहकर मामी चुप हो गई। मैं मामी का उदास चेहरा देखकर सोच रही थी कि समाज में ऐसे झूठे रिश्ते भी होते हैं कि एक नारी का जीवन नरक बन जाता है। लगभग 60 की आयु, लंबा कद और दोहरा स्थूल शरीर जो भोगी जीवन की गाथा कह रहा था, वस्त्रों का चयन बता रहा था कि ये अभी भूतकाल के मोह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।